भैया। अभी हम लोग अवधि मंडी में आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत की इलेक्शन है, आपका भी पैनल मैदान में है, तो आपका मकसद क्या है चुनाव लड़ने का और आप क्या करने वाले हैं अवधि मंडी के लिए? सबसे पहले तो मेरा मकसद है कि ग्राम पंचायत के ऊपर से जो लोगों ने जो बना कर रखे हुए थे वो उनकी चीज हटा कर जो है तो गरीब कमजोर बेसहारा लोगों की जो है तो सत्ता लाना है। और यहाँ पर अवधि मंडी के अंदर ऐसा है लोगों के अंदर ये हर उसके अंदर जो है तो देखकर काम किए जाते हैं, गरीब कमज़ोर जो लोग हैं इनके काम नहीं होते। तो मेरा मकसद ये है कि लोगों का काम करने का और जो युवा है उनको जो है तो पॉलिटिक्स के अंदर लाने की, जो होशियार पढ़े लिखे लोग हैं इनको जो है तो राजकारण में लाने का और राजकारण से समाजकरण कैसा किया जा सकता इसके लिए जो है तो हमने सब लोग वो कर जो है तो एक अच्छा पढ़े लिखे लोगों का और एक अच्छी सोच के हमने लोगापुरी कैंडिडेट लिए हैं कि गांव के जो है तो जो अच्छी सोच रखते अच्छे काम करने के लोगों से हमदर्दी रखते ऐसे मैंने कैंडिडेट लिया। वो पढ़े लिखे कैंडिडेट है और लोगों से सबसे हमदर्दी रखते। और मैं इसके पहले भी जो है तो उपसरपंच साब्दी मंडी में मैंने दौलताबाद मोमबत्ता तालाब है वहाँ से जो है तो पाइपलाइन लाया दौलताबाद से। और अभी जो है तो हमारे गांव में इसका प्रॉब्लम था राशन का बहुत, तो राशन के भी मैंने 350 न्यू राशन कार्ड बनाकर 350 फैमिली के जो है तो नए राशन कार्ड दिए बनाकर। और कुछ भी ऐसा मसला रहता है तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं काम करके देता हूँ लोगों का। कुछ भी मसला रहा तो उसको हल कर देता हूँ, नहीं कुछ तो उनको कुछ ना कुछ तो भी ऐसा कर देते कि उनका काम हो जाना। क्या काम बाकी है गांव में आपके? अभी गांव में तो बहुत काम बाकी है, अभी ऐसा नहीं क्या काम ख़त्म होंगे। और वो ऐसे ही नहीं कि हम आने के बाद ही 5 साल में ही पूरे काम हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। काम अभी बहुत है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। पीने का हमारे पास नहीं पानी मिल जाता है लोगों को? नहीं, हमारी उसकी भी चालू है जो है तो पैटर्न से पाइपलाइन की, उसका भी पार्ट पूरा हुआ चालू है। दूसरी बात, हमारे इधर नई प्लॉटिंग होगी उसके अंदर भी जो है तो नए लोग आए बहुत, हमारे इसके गांव की जो है तो आबादी बढ़ते जा रही नए प्लॉटिंग में, उसमें तो उनकी भी पानी की उसकी समस्या है। तो मेरी वो है आगे चलकर उनके इधर भी जैसा नई टाकी वो करके पानी की नई पाइपलाइन है वो करना है। और गांव में भी बहुत से समस्या है, अभी वो भी चीज़ें बहुत से करने हैं। और अभी फ़िलहाल तो लोगों का ऐसा है कि ये चीज़ें तो करना है, लोगों को ये चीज़ तो मालूम ही नहीं पड़ी अभी लोगों को, गाँव के लोगों को जो अभी तक सत्ता में थे, अभी जो लोग इन्होंने लोगों को डॉक्यूमेंट के अंदर ही परेशान इतना कर दिए कि लोगों का दूसरी चीज़ के ऊपर अभी ध्यान ही नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट में। साथ ही ऐसी चीज़ रहवासी को भी प्रॉब्लम कर देते ये लोग। हमने ये देखा है कि स्कूल जो है सिर्फ 7वीं तक ही है। हाँ जी, तो बच्चों को दूर आना पड़ता है स्कूल पढ़ने के लिए 10वीं तक के लिए और कॉलेज के लिए भी। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए हमने किए थे वकाड़ फाउंडेशन जो है, वकाड़ कंपनी, इसने हमारे अवधि मंडी गांव को हमने प्रस्ताव वो देकर उन्होंने दत्तक लिए थे। और दत्तक लेने के बाद हमने बखाड़ कंपनी से बहुत कामें किए थे, वाटर फिल्टर बिठाए थे पानी का, उसके बाद उन्होंने स्वच्छता के ऊपर काम किए थे, हर घर को डस्टबिन कचरे के वो दिए थे गाड़ी। और दूसरी बात, उन्होंने उनके हिस्से हमने हमारे हिस्से और वखाड़ के रेफरेंस से उसका पाठ पूरा हुए भी करे हुए जिला परिषद के अंदर उसके पूरे वो हैं कि हमारे यहाँ पर 10वीं तक स्कूल हो और नई बिल्डिंग का भी दिए गए वखाड़ का। लेकिन ऐसे होने के वजह से दूसरे लोगों की ग्राम पंचायत काबिज दूसरे लोगों के हाथ में गई थी, तो वो लोगों ने यहाँ से वखाड़ कंपनी को भी परेशान करके जो गांव दत्तक लिए थे उनको भी निकाल दिए वखाड़ कंपनी ने, यहाँ से जो है तो छोड़कर दूसरा गाँव ले लिया। नहीं तो हमारे यहाँ पर 10वीं तक स्कूल भी होती थी और स्कूल की जिला परिषद की न्यू बिल्डिंग भी बनती थी। नहीं, यहाँ पर कैसा है आपके जो गांव में है ना खेती अच्छी है, यहाँ अंजीर की फसल बहुत सारी अच्छी आती है। हाँ।
तो कृषि के ताल्लुक से जो है किसानों को ताकत पहुंचे? नहीं, कृषि के ताल्लुक से मैंने ग्राम पंचायत से ट्रॉ भी और लेटर भी लेकर कृषि विभाग के जो कृषि डिपार्टमेंट है उसको जो है तो लेटर भी दिया हो, जो कृषि के तरफ से इसके फलबाग की योजना आती है और दूसरा उसका अपने फलबाग की योजना और जो भी गवर्नमेंट की वो आती है, तो हमारे इधर सर्कल में और तालुके में अंजीर ज़्यादा है, उसके अंदर जो है तो अंजीर का ऑप्शन ही नहीं आता है, दूसरे आता है कपास, सोयाबीन, ये कोई भी और नुकसान भरपाई नहीं मिल पाता, नुकसान भरपाई नहीं मिलती अंजीर। तो मैंने वो किया उनको कि इसकी ये स्कीमों के अंदर जो भी बीमा योजना ये अंजीर में अंजीर को लिया अंदर जो है तो अंजीर को समावेश किया जाए, वो कंपनी को इनको दिया है मैंने। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी आप दौलताबाद अब्दी मंडी के अंदर सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी जी, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है अब्दी मंडी वालों को जो है, तो जैसे कोई एक शादी खाना रहता है, एक स्कूल रहता है या कुछ बनाना, क्या ख्वाहिश है आप अगर कभी चुन के आते हैं? नहीं नहीं, शादी हॉल का तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन तो मैं अभी लड़ रहा हूँ, पहले ही मेरे को प्रॉमिस भी किए थे क्या शादी हॉल के लिए, शादी हॉल के जगह का प्रॉब्लम है, नहीं तो वो तो इलेक्शन के पहले भी हो जाता था, इंशाल्लाह हमारी सत्ता आने के बाद तो हम जगह अवेलेबल करेंगे और इंशाल्लाह शादी हॉल तो बनाएंगे, अब्दी मंडी में भी बनाएंगे और दौलताबाद में भी बनेंगे। पूरा नाम बोला, पूरा नाम बोला, साबिर खान सिराज खान पठान, पैनल का नाम सुशिक्षित एकता विकास पैनल। और कौन कौन खड़े हुए आपके पैनल में? हमारे एक नंबर वार्ड थे शगुफ्ता साबिर खान और यास्मीन सादिक कुरैशी, एक नंबर वार्ड, एक जो है तो सर्वसाधारण महिला है और एक जो है तो ओबीसी महिला, और दूसरा जो है तो हमारा चार नंबर वार्ड के अंदर पैनल है, उसमें मैं खुद हूँ सर्वसाधारण में, साबिर खान सिराज खान पठान, और दूसरे हैं एसटी के कैंडिडेट हमारे सोनों ने सुखदेव एकनाथ, और तीसरे कैंडिडेट है हमारे पास बदरुन्निसा शेख रब्बानी सर्वसाधारण, हमने पांच कैंडिडेट किए। तो आपको उम्मीद है कि आपके तरफ रुझान आ जाएगी, आपको वोट मिल जाएगी? इंशाल्लाह 18 को मालूम पड़ेगा आपको, हमको तो उम्मीद है इसीलिए हमने किए। इलेक्शन चालू है आपके गांव में, तो आपके पसंद के उम्मीदवार कौन है यहाँ पे, किसको चुन के आना चाहिए? एकता विकास पैनल। क्या नाम है उनका? साबिर पठान। क्या बोले? साबिर पठान। तो क्यों उनको चाह रहे हैं आप, क्यों उन्होंने चुन के आना, क्या करे उन्होंने? 5 साल पहले अच्छे काम करे। अच्छा, जैसे गाँव काम करना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके नजरों में वो अच्छे कैंडिडेट है, वो चुन के आए तो विकास होगा, ऐसा आपका मानना है?